कोविड के परिप्रेक्ष्य के अंदर ये भी समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर एक बीमारी है जो कोविड की वजह से भी आती है। आपको ब्लड प्रेशर पहले से रहा हो वो वर्सन कर सकता है, और अगर आपको नहीं भी रहा है, कोविड सिंड्रोम जो हम कहते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, उसके अंदर स्ट्रेस की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से, सूजन की वजह से कई लोगों को ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है। अमेरिका की एक स्टडी के अंदर तो 10-15% लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा हो गई है, उन लोगों को भी जिनको कोविड हुआ भी नहीं था। ये समझते हैं कि सोशल सिचुएशन के अंदर हमें प्रॉब्लम हो रही है और इस चीज़ को हमें ध्यान रखना भी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम समझ रहे हैं कि कोविड की वजह से भी बीमारी होती है, सूजन रहती है हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेन रहता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर अगर हम इग्नोर कर देंगे तो कॉम्प्लिकेशंस की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। पहली चीज़ समझना ये है कि ब्लड प्रेशर के कोई मेजर लक्षण नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस लेवल चल रहा होता है, उसके अंदर चेक करवाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। सर में दर्द होना अमूमन भी हो सकता है, सांस फूलना, कई लोग इतनी एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं कि सांस फूले, और ब्लड प्रेशर को हम इसीलिए साइलेंट किलर कहते हैं। कई लोगों को ब्लड प्रेशर होता भी है तो उसको लक्षण नहीं महसूस होते हैं। इस वजह से ये ज़रूर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर रहा है या अगर कोविड रहा है तो उसके बाद अपने ब्लड प्रेशर की जरा जाँच ज़रूर करवा लें।